गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, हियर इज़ लेसन फोर, जू। जू आपने देखा ही होगा आई थिंक, जहाँ क्या होता है जू, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है। तो हियर वी स्टार्ट द लेसन। इट वाज इंडिपेंडेंस डे। ये इंडिपेंडेंस डे था, कब होता है इंडिपेंडेंस डे? ऑन 15 अगस्त। रोहित एंड रीमा हैड अ हॉलीडे, सो देयर फादर एग्रीड टू टेक हिम टू द जू। रोहित एंड रीमा का हॉलीडे होता है तो उनके फादर उन्हें कहाँ ले जाते हैं? जू में। अ पेयर ऑफ टाइगर कब्स वर बोर्न रिसेंटली एट द जू। जू में दो, ए पेयर मीन टू टाइगर कब्स, जो टाइगर के बेबी होते हैं वो हुए थे रिसेंटली, उसी टाइम में, अभी कुछ ही टाइम में ही। रीमा एंड रोहित वॉन्टेड टू सी द लिटल वंस अलॉन्ग विद देयर मदर। रीमा एंड रोहित उन छोटे छोटे कब्स को देखने जाना चाहते थे, किसके साथ? अपने मदर के साथ। When they reached the zoo, they went straight to the tiger's cage. जब वो जू में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? टाइगर का केज, केज जिसमें टाइगर बंद होता ना, ये केज पिंजरा टाइप में। रीमा एंड रोहित वर वेरी एक्साइटेड एंड दे फाउंड द मदर एंड इट्स कब्स वर ऑल बाय देमसेल्फ एट द कॉर्नर ऑफ एन ओपन जंगल केज। रीमा एंड रोहित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो क्या था वहाँ पर, उन जो कब्स थे वो अपने आप ही एक ओपन जंगल केज में कॉर्नर में थे। द मदर टाइगर हैड अ रेडिश ऑरेंज कोट ऑफ फर। जो मदर टाइगर थी उनकी बॉडी कैसी थी? रेडिश ऑरेंज कोट का फर था विद ब्लैक स्ट्रिप्स। उस पर क्या थी? ब्लैक स्ट्रिप्स थी। स्ट्रिप्स होती हैं लाइंस, जैसे टाइगर पर होती हैं। ये आप जो रीड कर रहे हैं ये हमारा क्या होता है, नेशनल एनिमल होता है टाइगर। इट वॉज अ रॉयल बेंगोल टाइग्रेस, इट्स कब्स वर लाइट ब्राउन इन कलर। ये रॉयल बेंगोल टाइग्रेस थी और इसके जो कब्स थे, जो बेबीज थे, उनका कलर क्या था? लाइट ब्राउन। द जू कीपर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इट्स नेम वॉज अमृता एंड दैट इट वेट अबाउट 150 किलोग्राम्स। जो मदर थी टाइग्रेस थी उसका नेम था अमृता और उसका वेट कितना था? अबाउट 150 kg। As it was a hot day, the mother tiger and its cubs soon went to the pool in their enclosure. Enclosure होता है an area surrounded by a fence. जैसे ये चारों ओर ये fencing लगी है, ये सब covered करते हैं ना area को, ये होता है enclosure. And began to swim, उन्होंने swim करना start कर दिया। In a flash, the tigress caught a fish. तो tigress ने एक fish को पकड़ा and fed its young ones. और उससे किसको खिलाया? अपने babies को, यंग वंस जो उसके बेबीज थे। द जू कीपर टोल्ड देम दैट अमृता लाइक टू बी बाय इट्सेल्फ एंड सिंस इट्स कब्स वर बोर्न इट डिड नॉट अलो एनी अदर टाइगर इनटू इट्स एनक्लोजर। कि जू कीपर ने बताया कि अमृता को कोई पसंद नहीं था कि कोई भी उसके जो बोर्न कब्स थे कोई भी उनके साथ एनक्लोजर में आए, उस एरिया में आए। द चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न दैट लाइक ह्यूमन बींग्स नो टू टाइगर्स लुक अलाइक इन अपियरेंस। अपियरेंस होता है जैसे लुक्स होती हैं आपकी, ऐसे कोई भी टू टाइगर्स एक दूसरे से मैच नहीं करते। एज ईच वन ऑफ देम हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रिप्स, दोनों की डिफरेंट क्या थी? स्ट्रिप्स, लाइन्स थी। द स्ट्रिप्स डिफर इन विड्थ, लेंथ एंड सर्कल्स। आप ये देख रहे हैं जो स्ट्रिप्स हैं ये कब्स की भी लेंथ में, विड्थ में, क्या होता है, चौड़ाई में, सर्कल्स में डिफरेंट डिफरेंट हैं। अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज सेइंग टाइगर्स हैव द मार्क ऑफ वैंग और किंग ऑन देयर फोरहेड। एक चाइनीज सेइंग के अकॉर्डिंग टाइगर्स का एक मार्क होता है, कैसा होता है? किंग ऑन द देयर फोरहेड, कि ये किंग की तरह होता है। नो वॉन्डर द इंडियन टाइगर इज ऑफन कॉल्ड द रॉयल बंगाल टाइगर। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंडियन टाइगर को मोस्टली क्या कहा जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। रीमा एंड रोहित ऑल्सो सॉ वेरियस अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू लाइक ब्लैक बग्स। रीमा एंड रोहित ने वहाँ पर और क्या देखा? ब्लैक बग्स, क्रोकोडाइल्स, गिबन्स, जिराफ्स, डियर, राइनोसेरोस, पीकॉक्स, पेलिकन्स, अफ्रीकन पैरट्स एंड मैनी मोर। ये सब बर्ड्स और एनिमल्स उन्होंने वहाँ देखे। After spending a whole day at the zoo, the children were about to go home. पूरा दिन वहाँ स्पेंड करने के बाद अभी वहाँ बच्चे जाने को ही थे। When they stopped
When they spotted the zookeeper taking the tiger's dinner to its cage, जब उन्होंने देखा कि जू कीपर उन्हें टाइगर के डिनर के लिए लेके जा रहा था. ही टोल्ड दैम दैट इन द वाइल्ड टाइगर्स यूजली हंट फॉर प्रे ड्यूरिंग नाइट, कि जंगल में तो क्या करते हैं टाइगर्स, हंट करते हैं अपने शिकार को. प्रे क्या होता है, टारगेट टू अटैक. ड्यूरिंग नाइट एंड रिलैक्स ड्यूरिंग द डे, और दिन में वो रिलैक्स फील करते हैं. देयर मोस्ट फेवरेट फूड इज डियर एंड वाइल्ड पिग्स, जो उनका फेवरेट फूड क्या होता है, डियर एंड वाइल्ड पिग्स. देयर फेवरेट काइंड ऑफ डियर इज गोड, जो उनका फेवरेट डियर कौन सा होता है, गोड. समटाइम्स दे ऑल्सो किल स्मॉल एनिमल्स इन द जंगल लाइक मंकीज, कई बार वो जंगल में मंकीज को भी हंट करते हैं. आफ्टर किलिंग एन एनिमल दे ईट इट ओवर अ वीक, फिर इस एनिमल्स को हंट करने के बाद वो उसे 1 वीक तक ईट करते हैं. बाई टेकिंग इट इन टू अ हिडन स्पॉट और देयर केव इन द जंगल, और इसे एक कहीं भी छुपा देते हैं जंगल में, किसी गुफा के पास, केव होती है गुफा. देयर मेथड ऑफ किलिंग इज सो साइलेंटली फॉलो देयर प्रे फ्रॉम बिहाइंड, उनका मेथड कैसा होता है उसको अपना शिकार बनाने का, कि वो उसके पीछे पीछे साइलेंटली जाते हैं. बिहाइंड मीन पीछे, साइलेंटली चुपचाप जाते हैं. दिस इज कॉल्ड स्टॉकिंग. स्टॉकिंग क्या होता है, टू फॉलो सीक्रेटली, चुपचाप पीछा करना. वेन दे आर क्लोज इनफ टू देयर प्रे, जब वो अपने शिकार के बिल्कुल पास होते हैं, दे पाउंस ग्रैब इट बाइट्स नेक एंड ब्रेक इट, वो इसकी नेक को ग्रैब करते हैं, जकड़ लेते हैं और इसे ब्रेक कर देते हैं. देन दे ग्रैस्प द डेड एनिमल बाय इट्स नेक एंड कैरी इट अवे टू फीस्ट अपॉन इट, फिर वो इसकी नेक से लेकर उसे ले जाते हैं. ऑल्दो दे आर गुड हंटर्स, जबकि वो बहुत अच्छे हंटर्स होते हैं, दे डोंट सक्सीड एवरी टाइम इन अटैकिंग देयर प्रे, फिर भी वो हमेशा सक्सेस उन्हें नहीं मिलती अटैक करने में. एज अ नंबर ऑफ टाइगर्स इन द जंगल्स हैज़ बिकम लेस, टू इंक्रीज देयर नंबर्स देयर आर नाउ स्पेशल फॉरेस्ट और सेंचुरीज वेयर टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड, जबकि अब पहले तो इन्हें हंट किया जाता था, अब इनके लिए क्या बना दी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज जहाँ पर इनको रखा जाता है. नो वन इज़ अलाउड टू हंट इन अ सेंचुरी एंड देयर फॉर द टाइगर्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग इन नंबर्स, और किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता कि वो इन्हें हंट करे, इसलिए जो टाइगर्स की अब नंबर्स, उनकी जो काउंटिंग है, अब ग्रो बढ़ती जा रही है. रीमा एंड रोहित वर वेरी हैप्पी आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जू कीपर. रीमा और रोहित को जब ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने जू कीपर से ली, वो बहुत खुश हुए. दे थैंक्ड हिम फॉर इंक्रीजिंग देयर नॉलेज अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ द कंट्री, उन्होंने अपने जो हमारा नेशनल एनिमल है ना टाइगर, तो उसके लिए जो नॉलेज इंक्रीज हुई उसके लिए उन्होंने उसे थैंक किया. फाइनली द फैमिली हेडेड होम, फाइनली जो फैमिली थी वो घर की ओर चली. रीमा एंड रोहित वर इलेटेड, इलेटेड मीन ओवरजॉयड, बहुत खुश होना, वो बहुत खुश थे. कब, टू शेयर देयर जू विजिट एक्सपीरियंस विद देयर फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स से अपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपने जू विजिट का, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू स्टूडेंट्स.